हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि मेरे पास कल काफी मैसेज आ रहे थे आपके इंस्टा पर भी, टेलीग्राम पर भी और ईमेल भी कि काफी एप्स हैं जो प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी हैं, MT4 की ऐप, MT5, विनामो, XM। तो यहां पर मैं इस वीडियो में सभी एप्स को सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर कि रियलिटी में कौन सी ऐप रिमूव हुई है, कौन सी ऐप नहीं रिमूव हुई है। वन बाय वन हम सभी को सर्च करेंगे और हम देखेंगे इसका क्या रीजन है जो ऐप रिमूव हुई है और फिर फ्यूचर में हमारे लिए अब क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सर्च करते हैं प्ले स्टोर पर। मैं गूगल प्ले स्टोर पर यहां पर जाता हूं और सबसे पहले मैं यहां पर सर्च करता हूं टिकमिल की ऐप, टिकमिल ब्रोकर, जिसको मैं काफी रिकमेंड करता हूं, उसकी ऐप को हम यहां पर सर्च करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं टिकमिल की ऐप अपीयर नहीं हो रही है, यहां से वो डिसअपीयर हो चुकी है, तो टिकमिल को रिमूव कर दिया गया है। दूसरी ऐप हम यहां पर सर्च करते हैं एक्सनेस को, जस्ट क्योंकि एक्सनेस के ऊपर भी काफी कमेंट आ रहे थे, जस्ट एक्सनेस को हम यहां पर सर्च करते हैं। पर एक्सनेस की ऐप अभी यहां पर आप अवेलेबल है, आप देख सकते हैं एक्सनेस गो के नाम से, उसको अपडेट के लिए भी अवेलेबल है और डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो एक्सनेस की ऐप यहां पर रिमूव नहीं हुई है। थर्ड, जस्ट इन केस हम यहां पर बिनांस को भी चेक करते हैं क्योंकि बिनांस के ऊपर काफी इशू है रिसेंटली, बिनांस को आप यहां पर सर्च कर रहे हैं तो बिनांस की दो ऐप यहां पर अवेलेबल है, बिनांस TR, बिनांस TH, दोनों ऐप यहां पर अवेलेबल है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद विनोमो, इसके ऊपर भी काफी कमेंट्स आए थे कि विनोमो रिमूव हो चुकी है, विनोमो को मैं सर्च करता हूं तो विनोमो ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अब दो ऐप जो इंपॉर्टेंट है, MT4, MT5, जिसके लिए काफी कमेंट्स को यहां पर, MT4 को यहां पर मैं सर्च करता हूं तो MT4 की ऐप अवेलेबल नहीं है, MT4 को रिमूव कर दिया गया है। और सेम ही MT5 को मैं यहां पर सर्च करता हूं तो MT5 की ऐप भी यहां पर अवेलेबल नहीं है, MT5 की ऐप को भी रिमूव कर दिया गया। और अगर हम बाकी और ब्रोकर को भी देखें, यहां पर ओक्टा FX, जस्ट यहां पर अगर मैं सर्च करना चाहूं तो ओक्टा FX की ऐप को अगर हम यहां पर सर्च कर तो ट्रेडिंग ओक्टा के नाम से इनकी अनदर ऐप आ रही है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इनकी ऐप अवेलेबल है। और जो लास्ट में XM ब्रोकर, के ऊपर भी काफी कमेंट्स थे कि XM ब्रोकर की ऐप रिमूव हो चुकी है, तो XM को हम यहां पर सर्च करते हैं तो XM की ऐप अवेलेबल नहीं है, XM की ऐप रिमूव हो चुकी है। चार मेन ऐप्स यहां पर रिमूव हुई हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है, MT4 की ऐप, MT5 की ऐप, XM ब्रोकर की ऐप और टिकमिल ब्रोकर की ऐप। तो दो ब्रोकर की हैं और दो मेटाकोर्ट्स की MT4, MT5 की ऐप्स को यहां पर रिमूव कर दिया गया है। अब ये क्यों रिमूव किया है, क्या इसका रीजन है, तो मोस्टली जैसे मैं आपको बताता हूं कि इंडियन अथॉरिटी ऑलरेडी RBI की लिस्ट यहां पर इशू की हुई है, मे बी ये RBI की तरफ से ही इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि MT4, MT5 या टिकमिल या XM, इन ब्रोकर की ऐप्स को यहां पर रिमूव कर दिया जाए। जस्ट कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, पर मे बी इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है। इन पास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सनेस और ओक्टा FX दोनों की ऐप को लास्ट ईयर रिमूव कर दिया गया था, जहां पर मैंने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि इनकी ऐप रिमूव हो गई थी और फिर उसके बाद क्या एक्शन हुआ था, वो ऐप कुछ दिन बाद अवेलेबल हो गई थी, आप उसको डाउनलोड कर सकते थे। सेम ही अगर आप देखेंगे 22 में MT4, MT5 को एप्पल स्टोर से रिमूव कर दिया गया था और वहां से उनकी सभी ऐप रिमूव कर दी गई थी, पर आप देखेंगे कुछ दिनों बाद एप्पल स्टोर पर MT4, MT5 की ऐप भी अवेलेबल हो। तो अब हमारे लिए यहां पर क्या सोल्यूशन हो जाता है, क्या हमें यहां से इससे घबराना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो ये एक्शन तो होते रहते हैं, नॉर्मली ये चलता रहता है, ऐप रिमूव होंगी फिर क्या होगा, ब्रोकर अपनी दूसरी ऐप लेकर आएंगे। मैं टिकमिल यहां पर अथॉरिटी से, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूं, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि डेवलपर के साथ काम चल रहा है और नेक्स्ट ऐप जल्दी आपको मिल जाएगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम XM के साथ है, उनकी ऐप भी यहां पर अवेलेबल हो जाएगी जो आप डिफरेंट नेम से, वो नेम को चेंज कर देते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं और ऐप दोबारा से आपके लिए अवेलेबल हो जाती है जो आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं भी ये कहूंगा कि आप ये जो चार ऐप रिमूव हुई है, अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इनको अपडेट मत कीजिए, आप उनको यूज करते रहिए। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो APK फाइल आप यहां पर इनको डाउनलोड कर सकते हैं और सभी फाइल आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं और जस्ट वेट कीजिए, ब्रोकर की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन होगा, नई ऐप आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी जो आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं और ये जल्दी एक्शन लेंगे। कोई भी ब्रोकर नहीं चाहेगा कि वो मार्केट को लूज करे, सभी की सभी एप्स कुछ ही दिनों में आप देखेंगे वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। सेम MT4, MT5 की तरफ से भी इनकी काफी बड़ी मार्केट है, तो ये भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आएंगे और ये एप्स भी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में चल ही रहा है, कुछ ना कुछ डेली न्यूज आ रही है, कुछ ना कुछ एप्स को रिमूव कर दिया जा रहा है, तो ब्रोकर में ये कुछ नई चीज नहीं है, ये काफी टाइम से चल रहा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐप रिमूव हो गई है, जस्ट अपडेट मत कीजिए, आपको इमीडिएटली चाहिए APK फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, आप ब्रोकर की वेबसाइट पर जाएंगे वहां से भी आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल पर भी आपको APK फाइल मिल जाती है जो डाउनलोड कर सकते हैं और आप वेट कर सकते हैं, वेट कीजिए, थोड़े दिनों में आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल हो जाएंगी। तो जस्ट आपको अपडेट करना चाहता था कि कौन सी रियल में ऐप रिमूव हुई है और कौन सी नहीं हुई है और जल्दी आपको यहां पर इसके ऊपर एक्शन मिलेगा। और अगर आपके पास कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मुझे कमेंट में बताइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।